तस्वीरें आपके सामने हैं। कौन कौन से वो बड़े दिग्गज हैं जरा देखिए, तमाम बड़े अधिकारी, अवनीश अवस्थी देखिए, प्रशांत कुमार देख रहे हैं, अमिताभ यश देख रहे हैं, और सूचना निदेशक को आप देख रहे हैं शिशिर सिंह, उसके अलावा डीजीपी ओपी सिंह पहुंचे और प्रशांत कुमार भी पहुंचे। ये उसके बाद अब देखिए जो सब सियासी दिग्गज हैं, जो बड़े नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर है, वो भी पहुंचे। राजनाथ सिंह पहुंचे गोमती नगर के विपुल खंड 3 के बूथ, पोलिंग बूथ पर, वहां पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर की तस्वीर आप देखिए, वो भी पहुंचे। अदिति सिंह की तस्वीर देखिए, और इसके अलावा सीएल वर्मा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लल्लू सिंह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और बीच में डीजीपी ओपी सिंह की तस्वीर भी आपके लिए देखिए। राजनाथ सिंह पूरे परिवार के साथ पहुंचे और बीएसपी प्रमुख मायावती भी पहुंची, डीजीपी ओपी सिंह पहुंचे, सबने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों से भी एक अपील की कि आप भी मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि अभी आधा दिन आपके पास है। और तमाम जगहों पर वोटिंग, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, साथ ही देश भर की अगर बात करते हैं 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग हो रही है, राजस्थान में 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इसके अलावा बिहार में भी वोटिंग हो रही है। लगातार जगह जगह से खबरें, लगातार जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह मैदान में है, तो वहीं पूनम सिन्हा गठबंधन की तरफ से है और प्रमोद कृष्णम है कांग्रेस की तरफ से। और लगातार अलग अलग जगहों में रायबरेली, अमेठी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का गढ़, यहाँ पर भी आज वोटिंग हो रही है। सुबह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, लेकिन अभी आधा दिन बाकी है, उम्मीद ज्यादा है। देवरिया जेल में